Good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of Career Pathway, number one competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for government exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC, and many other entrance exams like CAT, MAT, TGT, and PGT, then enroll for CPS Learning today and feel the real difference of preparation by yourself. Now, let's move towards the most important current affairs of 5th of April 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are external affairs, state in news, financial news, Mesh Anayak site, international affairs, and Sri Lanka's economic crisis. Here it is question number first on your screen now Mesh Anayak site and Buddhas of Bamiyan. विच वर सीन इन न्यूज़ रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच ऑफ़ दिस कंट्रीज जी हाँ जो मैस अनायक साइट है और इसके अलावा जो बुद्धाज की बुद्धा मतलब बुधाज बौद्ध धर्म की एक बहुत ही फेमस uh, साइट है बौद्धाज बो, ऑफ बामियान जिसको हम बोलते हैं ये कहाँ पर स्थित है किस कंट्री में स्थित है ये हमसे पूछा गया है एंड इट इज़ सिचुएटेड इन अफगानिस्तान एंड वाई इट इज़ न्यूज़ लेट्स नो मेस अनाइक साइट एंड बुद्धाज ऑफ बामियान आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान एंड द तालिबान रेजिमे इन अफगानिस्तान हैज़ अनाउंस डेट इट वुड प्रोटेक्ट देंशियट बुद्धा स्टैचू इन मेस अनाइक जी हाँ मेस अनायक नाम की जो जगह है जहाँ पर बुद्धा का बहुत ही फेमस जो स्टैचू है उसको प्रोटेक्ट करने की इन्होंने बात कही है तालिबान के द्वारा यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो अ कापर माइंड साइट वेयर द तालिबान आर होपिंग फॉर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक जो है कोपन माइंड साइट भी है जिस पर जो है तालिबान चाहता है कि चाइनीज़ उस पर इन्वेस्ट करके वहाँ से उसको एक्स्ट्रैक्ट करें देन तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान दे डिस्ट्रक्टेड देंचुरीज़ ओल्ड बुद्धा स्टैचू इन बामियान यूजिंग आर्टिलरी और ये जो है इससे पहले ऐसा देखा गया था कि सेंचुरीज़ uh, ओल्ड मतलब कि सदियों पुराना बुद्धा का जो स्टैचू था उसको जो है अर्टलेरी के साथ डिस्ट्रॉय किया जा रहा था एक्सप्लोजिव और रॉकेट्स इन सभी से जो है काफ़ी डैमेज हुआ वहाँ पर और यूनेस्को इंक्लूडेड द रिमेन्स ऑफ़ द मामियान बुद्धाज इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन टू थाउजेंड में जो है यूनेस्को के द्वारा इसको जो है एक हेरिटाइज हेरीटेज साइट भी घोषित कर दिया गया था

इंडिया इंडस्ट्रोल ऑस्ट्रेलिया साइंड एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जिसको इंड ऑस बोला जाता है इंड ऑस इंडिया से यहाँ पे जो है आई एंड डी और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ए यू एस तो इस एग्रीमेंट के तहत एक ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगी यहाँ पर नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया जो भारत एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया में उस समान पर छानवे परसेंट जो वहाँ पर सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस वहाँ पे दिया जा रहा है द एक्सपोर्ट्स इंक्लूड इसमें जो इंक्लूडेड एक्सपोर्ट्स हैं जो मेन यहाँ पर कैरी uh, करेंगे वो है इंजीनियरिंग गुड्स जैम्स एंड ज्वेलरी टेक्सटाइल्स एपरल्स एंड लेदर। देखिए इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर अब जैम्स और ज्वेलरी को जो है अभी प्रमोट कर रहा है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस जो है यहाँ से जनरेट होने की हमें आशा है फ्यूचर में एंड इसके अलावा लेदर और टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हम हाँ एक्सपोर्ट करते हैं द पैक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बाई ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू यूएस डॉलर 45 टू 50 बिलियन ओवर फाइव इयर्स एंड जनरेट ओवर वन मिलियन जॉब्स इन इंडिया और इसी के तहत जो जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं यहाँ पर सर्विसेज क्रिएट होती हैं जो नौकरियाँ क्रिएट होती हैं वो 45 टू तो 50 बिलियन के अराउंड जो है वर्थ वहाँ से जनरेट की जाती है और लास्ट फाइव इयर्स की अगर हम बात करें तो एंड जनरेट ओवर वन मिलियन जॉब्स एक मिलियन जॉब्स जो है इस एक्सपोर्ट से क्रिएट होती हैं भारत में तो बहुत ही एक बड़े स्केल पर आप कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर जॉब्स जो, जो है वो क्रिएट करता है ये सेक्टर विच एशियन कंट्री हैज़ डिक्लेयरड ए नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी एमिट्स प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस कौन सा जो है एशियन कंट्री है जो अभी जो है नेशन वाइड पब्लिक एमरजेंसी फेस कर रहा है और यहाँ पर जो आम जनता है वो जो है अभी रोस जता रही है प्रोटेस्ट कर रही है गोर्नमेंट के खिलाफ और अभी जो है रिसेंट में तीन साल पहले यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट जो है बहुत ही बड़े मार्जन से इलेक्शंस uh, में जीत कर सामने आई थी और अभी जो है उसका इतना बड़ा विरोध किया जा रहा है और ये आप सभी अच्छे से जानते हैं ये विरोध किया जा रहा है श्रीलंका में जहाँ पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है जहाँ पर लोगों के पास अभी जो है खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं चावल का प्राइस जो है वो साढ़े तीन सौ से पाँच सौ रुपये के जी हो गया तो लोगों के पास खाना एक समय का खाना खाने के भी मैं कहूँगा पैसे नहीं बचे हैं लोगों में बहुत ही ज़्यादा जो है चिंता है कि कैसे जो है यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा और इनके खिलाफ इसलिए भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि अभी जो करंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है चाइनीस जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा क्लोज रहते हैं उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं जिसको पहले जो है जनता ने इस, इसी बात को जो है मद्देनज़र रखते हुए उनका पालन मतलब उनका जो वोटिंग में फेवर किया गया था और आज इसी चीज को लेकर वहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि उन्होंने जो है देश को बेच दिया है चाइना के हाथों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए श्रीलंका प्रेसिडेंट जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोटाबाया राजपक्षा हैज डिक्लेयर नेशन वाइड एमरजेंसी प्रोटेस्ट ओवर क्राइसिस इन द आइलैंड नेशन जो इस आइलैंड का सबसे बड़ा जो आज तक का क्राइसिस है वो जो है फेस कर रही है अभी श्रीलंका द स्पेशल गेजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयर अ पब्लिक इमरजेंसी इन श्रीलंका विद इमीडिएट अफेक्ट फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट एक एक अप्रैल से यहाँ पे जो है एक स्ट्रिक्ट इमरजेंसी जो है लागू कर दी गई है नोटिफिकेशन के द्वारा जो कि पी ऑफिस से रिलीज की गई है रिवील की गई है द रेजिडेंट आर फेसिंग शॉर्टेज़ इन फ्यूल कुकिंग गैस एसेंशियल्स इन शॉर्ट सप्लाई एंड लॉन्ग आवर्स ऑफ पावर कट 12 से 13 घंटे का जो है यहाँ पे बिजली कट लग रहा है इसके अलावा लोगों के पास कुकिंग गैस नहीं है और क्या बोलते हैं फ्यूल्स वो नहीं खरीद पा रहे हैं असेंशियल जो चीज़ें हैं वो उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं बहुत महंगी हैं और शॉर्टेज हो गई है चीज़ों की और श्रीलंका के पास अभी कुछ ऐसा पैसा नहीं बचा है फॉरेन एक्सचेंज में जिससे वो कुछ बाहर से इंपोर्ट कर पाए सा नोंगमा पनबा इज ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट जी हाँ साजिबु नोंगमा पनबा इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ़ मणिपुर आइए जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में साजिबु नोंगमा पनबा इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल फॉर द फ्लावर्स ऑफ सनमाहम रिल रीजन इन मणिपुर जी हाँ बेसिकली एक सनासम रीजन है जो कि मणिपुर में है और वहाँ पर जो है फ़्लावर्स बहुत अच्छे जो हैं अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिलेंगे उसी को जो है यहाँ पर एक त्यौहार की तरह एक फेस्टिवल तरह के तरीके से मनाया जाता है जिसे एज अ लूनर न्यू ईयर भी हम बोलते हैं The day is mostly observed on the first day of the lunar month of Sajibu, also known as Mithi Chirioba or Sajibu, Chirioba. The festival is celebrated by the Mithi people, one of the largest ethnic communities in Manipur. But, the next question ki taraf? The United Payments Interface (UPI) system crossed which milestone in terms of volume? टर्म्स ऑफ ओल्यू जी हाँ यू पी आई जो है उसने अभी जो ट्रांजेक्शन्स में कितने आ, करोड़ की जो है ट्रांजेक्शन का एक टर्न का जो माइल है वो क्रॉस कर लिया ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है और ये माइल स्टोन क्रॉस किया गया है 500 करोड़ रुपए का आइए जानते हैं इसके बारे में एज पर फ्रॉम द नेशनल इन मार्च दिस ईयर यू पी आई वॉज क्लोज टचिंग द टेन लैक करोड़ माइल स्टोन इन वैल्यू टर्म्स इन मार्च दिस ईयर सिर्फ इस मार्च की ही बात करें तो दस लाख करोड़ का जो माइल uh, स्टोन है वो पार किया गया है इनके द्वारा देर वर अराउंड थ्री हंड्रेड फिफ्टीन बैंक लाइव ऑन द यू पी आई प्लेटफॉर्म बाई मार्च दिस ईयर जो इस वर्ष दो हज़ार बाईस मार्च तक का जो डेटा है उसमें तीन सौ पंद्रह बैंक जो हैं कनेक्टेड हैं इस यू पी आई सिस्टम से विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल कोलेबरेशन एडवांसिंग टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग जी हाँ किस ग्लोबल जो सिटी ने होस्ट किया है जो ग्लोबल कोलेबरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी है उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी ये कहाँ पर की गई है हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एंड दिस मीटिंग वॉज हेल्ड इन जेनेवा जी हाँ आइए जानते हैं इस मीटिंग के बारे में ग्लोबल कोलेब्रेशन एडवांस्ड वैक्सीनेसिंग ट्रेनिंग मीटिंग वॉज रिसेंटली इन जिनेवा इन द मीटिंग द नीड फॉर अ बेसिक वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर हेल्थ केयर पर्सनल अक्रॉस द वर्ल्ड वॉज डिसकस्ड जी हाँ बेसिकली यहाँ पे वैक्सीनोलॉजी को ही यानी वैक्सीन जो बेसिकली बनती हैं और उनका यूज और जो बेसिकली किस तरीके से उनको जो है अच्छे से डेवलप किया जा सके इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ इंडिया वॉज प्रेजेंटिड बाई डॉक्टर एन के अरोरा हेड ऑफ़ द कोविड नाइन्टीन वर्किंग ग्रुप इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप जिसे एन टी ए जी आई के नाम से जानते हैं उसके जो है ये हेड हैं और इन्होंने जो है इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया द ग्रुप मेक्स वैक्सीन रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज़ बर्डन एफिश एफिकेसी एंड कोस्ट एफिक्टिनेस जी हाँ बेसिकली यहाँ पर जो है इन तीनों चीज़ों को ध्यान रख के ही जो है ये रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि कैसे वैक्सीन को क्रिएट किया जाए बेसिकली डिजीज़ बर्डन जो है यहाँ पर एक फैक्टर है दूसरा फैक्टर है एफिकेसी और तीसरा है उसकी कॉस्ट अफेक्टिवनेस द यूनाइट नेशन्स इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असटेंस इन माइन एक्शंस इज़ सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन जी हाँ माइन अवेयरनेस और माइन एक्शन इज असटेंस इन माइन नेक्शन जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइट नेशनस के द्वारा जो है इसको डिक्लेयर किया गया है ये किस दिन मनाया जाता है एंड दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फोर्थ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर द यूनाइट ने इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड अजिस्टेंस इन माइन एक्शन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फोर्थ ऑफ अप्रैल इसके साथ बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर लॉन्च द वेबसाइट टेम्पल थ्री सिक्सटी वो इज द मिनिस्टर फॉर स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया जी हाँ पूछा गया है कि रिसेंटली जो है स्टेट ऑफ और कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर जो है एक वेबसाइट लॉन्च की गई है इनके द्वारा जिसका नाम दिया है टेम्पल थ्री सिक्सटी ये किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई या पूछा जाए कि अभी जो करंट हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो कौन है एंड द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज़ मीनाक्षी लेखी जी हाँ मीनाक्षी लेखी जी जो हैं हमारे अभी करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स श्रीमती मीनाक्षी लेखी लॉन्च द वेबसाइट टेम्पल थ्री सिक्सटी इन एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आई जी एन सी एम फी थिएटर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर्स ऑफ आर्ट न्यू डेली अंडर द एजिज़ ऑफ़ आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसी के साथ हमारे इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं एक बार आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें हमारी क्लासेज पर हमारे यूट्यूब चैनल पर